हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं उप सह संयोजन यौगिक में सीएफटी। सीएफटी में आप लोगों ने अब तक क्या क्या सीखा है? लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के जो कक्षक होते हैं, पांच कितने होते हैं बताओ? पांच पांच होते हैं ना, पांच डी कक्षक होते हैं, वो विपातित हो जाती है। मतलब वो क्या स्प्लिट हो जाते हैं। अगर स्प्लिटिंग क्या हो रही है, ज्यादा, अगर स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है, जी मोर स्प्लिटिंग, इसका मतलब वहां पर कौन होगा? एस एफ एल, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड, यानी कि हाँ, स्ट्रॉन्ग फिलिंग क्या बोलते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। टीजी ऊपर जाएगा और टीटूजी नीचे, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा, अगर संकुल में लिगैंड है दुर्बल जी, तो विपाटन कम होगा। क्या होगा? विपाटन और ये होता है डब्ल्यू एफ एल में, यानी वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है ना। यही से पता लगा था कि कोई लिगैंड स्ट्रांग है या वीक है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, मान लो कि डी चार है, मतलब चार इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन और चार, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है? पेयरिंग। क्या होती है? पेयरिंग। और पेयरिंग होने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जी, यानी कि युग्मित होने के लिए। हम उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, युग्मन ऊर्जा बोल देते हैं। और यहां पर क्या देखो, एक दो तीन चौथा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर ऊर्जा का गैप क्या है, कम है, और यहां पर ज्यादा है। हो गया तुम्हारा बेरी सेंटर, हो गया तो बेरी सेंटर हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? देखो ध्यान से, डेल्टा ओ माइनस दो बटे कितना होता है? पांच डेल्टा ओ, यहाँ पर होता है तीन बटे दो, सॉरी तीन बटे पांच, 3/5 और डेल्टा ओ, ठीक है ना जी। और यहां पर क्या होगा, इसमें देखो, यहां पर भी सेम होता है, -2/5 डेल्टा ओ और ऊपर 3/5 डेल्टा ओ, ठीक है ना। ये ऊर्जा होता है, तो ये गैप यहां पर कम है, इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो रहा था, और यहां पर गैप क्या ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो रहा है। जितना ऊर्जा इसको ऊपर जाने में लगेगा, उससे कम ऊर्जा में ये क्या हो जाएगा, युग्मित हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है, युग्मन। और ऐसा जब देखा गया तो ऐसे लिगेंड को क्या कहा गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है ना। अब हमको विन्यास करना है, विन्यास, ठीक है जी। क्या करना है? विन्यास। विन्यास हमसे बोलेगा, कोई संकुल है, कोई संकुल है, तो संकुल के अंदर विन्यास क्या होगा? देखो, आपने इसमें थोड़ा ऐसे लिखना है, इसमें बनाओ टेबल, में से छाप दिया था, धातु आयनों का सीएफटी के आधार पर लिख लो भाई, सीएफटी के आधार पर क्या करना है, विन्यास। क्या करना है? विन्यास देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। विन्यास डालो हेडिंग, और फिर हमको करना है विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। डालो हेडिंग, डालो फटाफट। अच्छा, पेयरिंग यानी कि युग्मन ऊर्जा को हमने पी से कैसे रिप्रेजेंट है ना। अभी मैं तुम्हें उसके लिए फॉर्मूला लिखाऊंगा कि कैसे करते हैं उसे कैलकुलेट। लिख दिया आप इधर, तो लिखो इसमें विन्यास, इसमें तीन खाने भरेंगे टोटल, एक खाने तक लो, है ना, देख रहा होगा वैसे, एक जगह लेंगे अपन लोग, इधर सीधे से पढ़ लो भैया, क्या सीधे ही नहीं है फायदा उठा ले है। चलो जैसे जैसे ना समझते रहना। देखो इस पे लिखो विन्यास, लिख दिया, और इसमें लिखो
डब्ल्यू एफ एल की उपस्थिति में, क्या मतलब है इसका? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में, और यहां देखो क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, उपस्थिति में, ठीक है ना। अब देखो अगर D1 है, अगर D1 मतलब D में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, और W यानी कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा तो क्या होगा विन्यास, बताओ। जब D1 था तो तुम पहले इलेक्ट्रॉन T2G में तो भर रहे थे, इसमें भरते थे T2G में, तो हम इसमें ऐसे एक लिख देंगे, ठीक है ना जी, इसमें भी T2G में एक भर देंगे जी। अगर D2 हो गया तो क्या होगा, तो भी T2G में हम लोग दो भरेंगे, ठीक है, और इसमें भी T2G में दो भरेंगे, कोई सेम सेम आ रहा है, है ना जी। तीन तक तो समान ही आता है, तीन तक कोई दिक्कत नहीं आती, T2G फिर यहाँ कितना थ्री, और यहाँ पर भी T2G थ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे। अब अगर D4 हो गया तब पानी भर जाएगा ना, तो यहाँ पर T2G में कितने, तीन जाएंगे, फिर अगला इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन याद है क्यों जा रहा है, दुर्बल में पेयरिंग नहीं होगा, ऊर्जा कम, यहाँ पे युग्मन नहीं हो रहा है, यहाँ युग्मन हो जाएगा, T2G कितना फोर, ठीक है ना जी, ध्यान रखना है। तो ऐसे ही तुमको ना सीखना है, मतलब करते हुए चलना है विन्यास। तो ये विन्यास है, संकुल के अंदर जो आयन है, संकुल धातु आयन, उस धातु आयन का विन्यास हम लोग ऐसे लिखते हैं जी, थोड़ा ना ये इसे सामने फिट नहीं करा, तो ऐसे लिखो सामने सामने, ठीक है। अब देखो अगर D5 हो गया तो T2G कितना लिखोगे, पांच, और EG कितना दो, नहीं लिखेंगे भाई, हाँ जी। और इसमें क्या हो गया, इसमें T2G T2G हाँ, इसमें सॉरी T2G तीन आएगा, गलत कर दिया ना, तीन, तीन, फिर तो पांच हो गया, इसमें उसमें पहुंच गया T2G में। अब भी इसमें पेयरिंग चल रही है जी, और इसमें नहीं चल रही है। अब अगर छह हो गया, D6 हो गया जी, तो T2G कितना हो जाएगा बताओ, तीन, और EG नाम मुन्ना चार, ये चार हो जाएगी, अब यहाँ पर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना जी, जी। और यहाँ तो दो पहले हो गया, तो सिंगल सिंगल जी, ऐसे हुंड का नियम का पालन करते, पालन करना है T2G, और इसमें T2G पांच ही रहेगा और EG एक हो जाएगा, सॉरी छह हो जाएगा ना भैया, अभी पेयरिंग तो चलेगी, अभी पेयरिंग होगी, ठीक है। तुम इसमें ऐसे ये लिख सकते हो, अगर D सात आएगा जी तो T2G कितना, पांच, पांच, और EG दो, और EG दो, यहाँ क्या होगा T2G छह, अब यहाँ EG में एक जाएगा, ठीक है ना, एक जाएगा, समझ रहा है। जब छह दर पूरे हो जाएंगे फील्ड में, फिर होगा युग्मन शुरू जी, ठीक है, कॉपी करो, विन्यास था ये, बस सात तक ही थे, इसमें D8 D10 तक ना, खुद करो अपने आप, हाँ हो जाएगा, D7 कर दिया मैंने, D8 फिर D9 D10 है ना, 10 तक कर लो, तुम्हारे बुक में 10 तक का ही केवल कोर्स में, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी सा ही है, ठीक है, कॉपी करो सर, और वो भी इसमें ना लिख लो, D8 वाले का और D9 और D10 वाले का लिख भाई, ठीक है ना, प्रैक्टिकल में हो गया ना, यस सर, दिक्कत ना कोई नहीं। चलो एक छोटा सा टॉपिक है जो तुम्हारी बुक में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हमको ना बीपीटी में पढ़ना चाहिए, सॉरी सीएफटी में, ठीक है ना, एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने काफी देखा, ठीक है ना, लेकिन हमको ना तुमको समझाना है थोड़ा सा, इससे बेस पे है ना, बेस अब यहाँ पर है। देखो भाई हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि मेरे पास अगर कक्षक है, क्या है कक्षक, फिर पांच होते हैं कुल, ये क्या है, ये है डी कक्षक है ना, संभ्रंश, संभ्रंश डी कक्षक, ये तो है, मतलब समान ऊर्जा वाले पांचों डी कक्षक है। अब अगर मान लो इसका क्या हो जाता है, विपाटन, ऐसे हम लेते हैं, ऐसे मतलब ऊपर कौन गया, ऊपर गया ईजी, और नीचे गया T2G, अब तुमको ये ना रट गया होगा, ईजी T2G, एक दो तीन,
उधर तो हो गया, उधर तो आई, इसका नाम है तो पी टू जी। अच्छा नाम क्या है? ई जी। अरे ई जी के तो आएगा ना? हाँ ठीक, एक ही बनाते हैं भैया हमेशा। इसमें हमेशा दो आता है ठीक है ना, वो हमसे एक बन जाता है कदिस, ठीक है ना? तुम दो बनाना हमेशा बोल। देखो तो ये होता है तुम्हारा बेरी सेंटर, क्या होता है ये होता है बेरी सेंटर, सेंटर। बेरी सेंटर डेल्टा, डेल्टा को बोलते हैं बेरी सेंटर ठीक है ना। अब नीचे आप लिखते हो माइनस दो बटे तीन डेल्टा, वो ऊपर लिखते हो तीन बटे दो डेल्टा, पांच में से लिखे ना ठीक है। तो दो बटे डेल्टा ना पांच माइनस नेगेटिव, ये नेगेटिव चीज क्या कर रहा है प्रेजेंट, कि ऊर्जा नीचे कम हो रही है, ऊर्जा नीचे कम हो रही है। तो इसमें ना आप लिख लेना था कि ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक ऋणात्मक चिन्ह यह निर्दिष्ट करता है, यह निर्दिष्ट निर्दिष्ट करता है कि, करता है कि ऊर्जा घट रही है, ऊर्जा घट रही है ठीक है भाई। क्या करता है रिप्रेजेंट ये कि ऊर्जा इसका घट रहा है, ऊपर मतलब ऊर्जा बढ़ रहा है, मतलब बेरी सेंटर पे जो ऊर्जा होना चाहिए उससे ऊर्जा कम हो रहा है और ऊपर ऊर्जा इसकी बढ़ रही है ठीक है ना। अब तुम ध्यान से देखो, इस टॉपिक का नाम है क्रिस्टल क्षेत्र। अब तुम लिखो हेडिंग क्रिस्टल क्षेत्र स्थाई स्थायीकरण ऊर्जा, ऊर्जा ठीक है ना। हम इसको बोलते हैं प्यार से CFSE, क्या बोलते हैं CSFE बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये टॉपिक ना, ये नाम भी इंस्टिट्यूट नहीं है इसका, CSFE क्रिस्टल फील्ड, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ठीक है भाई। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अंग्रेजी में अगर आप चाहो लिखना हेडिंग तो लिख लो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थाई करण, जो भी यार कथा खतरनाक समझ रही है बोला नहीं जाता हमसे, क्या आगे सुनो मैं, स्थाई करण ऊर्जा ठीक है ना, स्थाई करण ऊर्जा। तो क्रिस्टल क्षेत्र ठीक है ना, CFSE कैसे निकालेंगे इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, क्या हमारे पास में सूत्र, हाँ बना ले बनाओ तो कितनी बार बनाना पड़ेगा बार बार है ना, बेरी सेंटर ऊपर ही नीचे ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब तुमको यहां पता लिखाएंगे सूत्र, क्या लिखाएंगे हम तुमको लिखाएंगे सूत्र, एस का क्या था, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ठीक है ना, ऐसे लिखना है क्रिस्टल CRYST है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजिंग एनर्जी ठीक है। ये टॉपिक नाम से बुक में नहीं है लेकिन मैं तुमको समझा रहा हूं, कभी कभी ना एग्जामिनर तुमसे पूछ लेता है कि बताओ क्या होता है ये एनर्जी, तो जो संकुल को स्टेबलाइज करता है तो निकालते कैसे हैं, तो तुम बताओ ध्यान से, आप इसे क्या लिखोगे 0.4 लिखोगे क्या डेल्टा हो, हाँ जी हाँ लिख सकते हैं, ये 0.4 डेल्टा हो लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप इसको क्या लिखोगे 0.5 0.6 डेल्टा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अपना पॉइंट में हम लिखेंगे क्या आ गया ना, काम आ गया ना, इसलिए 0.6 डेल्टा हो, मतलब 0.4 से नीचे कम हो रहा है और 0.6 से ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है अपने मध्य से ठीक है ना, मेन वैल्यू से नीचे कम हो रहा है ऊपर बढ़ रहा है ठीक है ना। तो CFSE का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है यहां पर मैं लिख के जा रहा हूं ठीक है ना, देखो ध्यान से, CSFE क्रिस्टल फील्ड, अरे CSFE में क्यों तुम्हारा CFSE लिखना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी CS लिखा होता हूं, बराबर क्या होता है
देखो माइनस दो बटे पांच डेल्टा ओ, माइनस दो बटे पांच डेल्टा ओ, सॉरी दो बटे, हाँ दो बटे पांच, ठीक है ना, माइनस दो बटे पांच डेल्टा ओ, एन क्या है, गुना करना पड़ेगा ना, गुना एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें, टी टू जी में, किसमें भाई, नीचे टी टू जी है ना, देखो ध्यान से, प्लस जोड़ना है, क्या जोड़ना है, तीन बटे पांच, तीन बटे पांच डेल्टा ओ एन ई जी, ये सब सूत्र है, ठीक है। ये तब लेते हैं जब युग्मन ऊर्जा आप लोग नहीं मान के चलते हो, ठीक है ना, अच्छा। तो एन यहां पर इसमें लिख लो, एन ई जी क्या है, ई जी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और एन टी टू जी क्या है, टी टू जी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है, कॉपी करो फटाफट से, हो गया सर। मतलब ई जी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो, और टी टू जी में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, उसके ना गुणा करनी है, ये यह सूत्र क्या होता है, जब युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा, ऊर्जा को महत्व नहीं दिया जाता, को महत्व मतलब कि उसको ना मान के हम लोग चल ही रहे हैं कि वहां पर हो रहा है कुछ, ऊर्जा लगता भी है, जब युग्मन ऊर्जा को महत्व नहीं दिया जाए, नहीं दिया जाता, होता है ना, जब हम कुछ पार्टी वगैरह करते हैं, कभी कभी वो सबको देते हैं पार्टी, सभी को, कभी कभी बोलते हैं कि उसको रहने को नहीं, तो आपने जिसको कहा कि तुम रहने दो कोई बात नहीं, उसका इसका मतलब यह है कि आपने उसको महत्व नहीं दिया, ठीक है ना, अब अगर वो आपका पक्का मित्र मानता है तो वो आपसे क्या हो जाएगा, आपसे नाराज हो जाएगा ना, तो वह हम कहना चाह रहे हैं कि जब युग्मन ऊर्जा को महत्व नहीं दिया गया तब ये लगाओगे सूत्र, लेकिन अगर युग्मन ऊर्जा को महत्व दोगे तब है दूसरा सूत्र, मतलब इसमें हम लोग जोड़ देंगे बस एक्स्ट्रा, ठीक है ना, तो सी एफ एस ई क्या होगा, सेम रहेगा फिर, माइनस दो बटे पांच डेल्टा ओ गुना एन टी टू जी प्लस तीन बटे पांच डेल्टा ओ और क्या ई जी, प्लस करना है क्या उसमें, पेरिंग एनर्जी, क्या करना है उसमें, चूड़ा, हाँ पी, ठीक है ना, पी मतलब क्या होता है, पेरिंग एनर्जी हम लोग मान करके इसमें चलेंगे, ठीक है ना, ठीक है भाई, पेरिंग एनर्जी, और साथ में गुना करना है क्या, इलेक्ट्रॉन की युग्मक संख्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या, ठीक है भाई, देखो ये एक नया हमारा फॉर्मूला, ठीक है भाई, देखो क्या कह रहा है, सी एफ एस सी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, माइनस दो बटे पांच डेल्टा ओ गुना डेल्टा एन टी टू जी प्लस टी टू जी, अभी जी एन टी टू जी, यस सर, प्लस तीन बटे पांच डेल्टा ओ, डेल्टा ओ ई जी, एन ई जी प्लस पी, पी क्या है, युग्मन ऊर्जा, और उसके अंदर कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर कितने हैं, पेयर पेयर गिनत, पेयर गिनत में गुना करेंगे, ठीक है ना, अब पी की वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है ना, कि भाई इसके लिए इतना और इसके लिए इतना है, देखो न्यूमेरिकल तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो बोर्ड में तो नहीं आएगा, पक्की बात है, ठीक है ना, लेकिन अब यहीं पर ना ये यूज हुआ था थोड़ा टॉपिक, तो हमने समझा दिया, ठीक है, तो आप इसे बोलते पी क्या, पी को बोलते हैं युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा जो कि हमें दिया होगा, युग्मन ऊर्जा है ना जी, कॉपी करो इसको फटाफट से, अब इसमें एक बार ध्यान रखना, युग्मन ऊर्जा जितना ज्यादा नेगेटिव में होगा
जी संकुल उतना ही ज्यादा स्थाई होगा। संकुल के स्थाई को स्थायित्व को यहां से समझाते हैं, ठीक है ना। कोई संकुल कितना ज्यादा स्थाई होगा कितना ज्यादा अस्थाई होगा ये सीएफएससी से हम लोग बता पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, सीएफएसई का मान जितना ऋणात्मक होगा का मान जितना ऋणात्मक होता है संकुल उतना ही अधिक स्थाई होता है ठीक है ना। तो संकुल का स्थायित्व आप सीएफएसई की हेल्प से बताओगे, आपको मान दिया होगा सीएफएसई का या फिर आपसे निकलवा लेगा तुम आराम से क्या होगा कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से हम सीएफएसई कैसे निकालेंगे, कॉपी ग्रुप में बात करते आगे। देखो मैं तुम्हारा सुनो, एक सीएफएसई कर ले, सीएफएसई की हम करते हैं गणना। देखो मान लो हमारे पास डी कितना है, डी थ्री मतलब ऐसा संकुल जिसके डी में कितने तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन जी, ठीक है। हमको निकालना क्या है, सीएफएसई। देखो इसका फॉर्मूला है कि क्या है, माइनस दो बटे पांच है ना, तो हम यहाँ पर ओम लगा, ओम मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय संकुल का सीएफएसई निकालना है। अगर मैं इसका विन्यास लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, टी टू जी है ना, तीन लिखूंगा आपको बोल देगा डब्ल्यू एफ एल के लिए। अगर डी तीन है तो डब्ल्यू एफ एल ओ या एस एफ एल ओ, दोनों में सवाल यूज होता है ना। देखो तो क्या सूत्र, माइनस 0.4 कितना, फोर जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ओ गुना बताओ कितना है इसमें इलेक्ट्रॉन, तीन ही तो है, तीन कितना है, तीन है जी, कितना है बताओ, 4.6 माइनस 4 से 12 है ना 1.2, अच्छा उसको करो 1.2 जी, ठीक है ना। हम लोग युग्मन ऊर्जा इसमें नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना जी। अच्छा ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया भाई ऐसा, क्योंकि प्लस में आप क्या लिखोगे ईजी है ना, ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, जीरो, तो 0.6 डेल्टा ओ गुना जीरो नहीं रहेगा, ऊर्जा। अब एक मान लो मेरे पास और है संकुल, देखो डी पांच वाला है मान लो जी, और हमसे ने बोल दिया एस एफ एल ए, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अब तुमको क्या देखना है, अब तुमको देखना है विन्यास का, रूपरेखा का, तो T2G5 आ गया पेयर में चलेगी है ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, युग्मन हो जाएगा, तो यहाँ पेयरिंग एनर्जी वो आपको देगा, ठीक है ना। तो जब तुम सी एस एफ ई निकालोगे देखो तो माइनस 0.4 डेल्टा ओ, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, पांच इलेक्ट्रॉन है ना, पांच इलेक्ट्रॉन है पर ये वीक तो आ जाएगा, हाँ वो ऐसा फैला है दबाने में आएगा, तो सारी पेरी होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन ना जी, तो गुना इसमें करना है किससे, पांच से है ना, पांच इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर प्लस जीरो, जीरो पॉइंट छह गुना जीरो, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, भी इजी में पेयरिंग हो गया, तो फिर कितना आ गया माइनस दो, इसका आ गया माइनस 2.0 डेल्टा ओ, ठीक है ना, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है ना। ऐसे करते हैं कैलकुलेट, हार्ड कोई है, इजी है, ठीक है ना, बस तुमको ध्यान रखना, ठीक है, चलो कॉपी करो, ठीक है, लिखो भाई, वो गंदा लिखो।
चतुष्फलकीय संकुलों में, हाँ चतुष्फलकीय संकुलों में लिखो, वो ए था ना भाई, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन, विपाटन, ठीक है भाई, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलो देखो, तो अष्टफलकीय की बात हो गई पहले, एक बार मैं तुमको चतुष्फलकीय का एग्जांपल दे देता हूं, कौन से संकुल होते हैं तुम बताओ। चलो मान लो हमारे पास जो एग्जांपल होगा, निकिल हो गया, क्या हो गया, निकिल हो गया। अब अगर निकिल हो गया तो निकिल के अंदर सीएन कौन हो गए, चार हो गया, और यहां पर मान लो थ्री माइनस हो गया, क्या हो गया, थ्री माइनस। अब थ्री माइनस हो गया तो इसमें तो संकुल कितने लिगैंड है, इसमें चार, तो सीएन यानी सहसंयोजन संख्या कितना हो गया, चार, चार नहीं हो गया। अब अगर ये चार हुआ, इसका मतलब हमारे पास कक्षक कुल थे कितने, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसमें कुल थे कितने, पांच कक्षक, पांच थे ना, तीन थे कहां पर, अक्ष के बीच में, और दो थे अक्ष के ऊपर ही, समझ रहे बात। अब देखो खेल खेला होगा, अगर हम बात करें, हम बनाए क्या संरचना बनाए, देखो मैं अब यहां बना रहा हूं संरचना, यहां से सुनना, विपाटन समझ में तभी आएगा जब तुम यहां पर ये समझोगे। ये मान लो मेरे पास क्या है, ज्यामिति में बना रहा हूं चतुष्फलकीय की, बीच में कौन होगा, केंद्रीय धातु परमाणु, और इधर कौन होगा बताओ, सीएन, मतलब लिगैंड होगा। तो इसमें देखो ध्यान से, पहले मेरे पास अक्ष कितने थे, यहां लिगैंड अटैच हो रहा था, यहां लिगैंड अटैच हो रहा था, इधर 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 और इधर, ठीक है भाई। मैं इस अक्ष को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं, बढ़ा लेता हूं, एक अक्ष ये हो गया भाई, ऐसे अक्ष होता है ना, ऐसे अक्ष हो गया, एक अक्ष ऐसे होता है, याद है, दो अक्ष हो गए, तो गया तीसरा अक्ष, नहीं हो गया, लाल वाला एक्स वाई जेड अक्ष है, थ्री डी, तीन डी, तीन डी में है ना, हम लोग देखते हैं। देखो लिगेंड पहले जब अष्टफलकीय यहां भी था लिगेंड, ये अक्ष का अनुदिश है, एक लिगेंड मान लो हमारा एक्स है, ये हमारा वाई एक्स है, और ये हमारा जेड एक्स है। तो हुआ क्या, लिगेंड यहां पर और यहां पर भी है, लिगेंड मान लो यहां पर भी और यहां पर भी है कि नहीं। अब देख ध्यान से, पहले हमारे पास जो कक्षक होते हैं वो ऐसे होते हैं, अक्ष के अनुदिश तो एक ऐसा था, है ना, अक्ष पे था, और एक था ये तुम्हारा कौन हो गया, और एक था तुम्हारा ऐसे करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अक्ष पे है ना भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया डी वाला, और यहां पर जो जेड के ऊपर वो कौन हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, और ये तो ये तुम्हारे कौन थे, टी टू सॉरी ईजी, कौन थे ये आपके, ईजी थे ना। अब ये कक्षक हट गया, ये कक्षक तो है, अब इस पर कौन नहीं आएगा, एक्स अक्ष कौन नहीं आएगा, लिगैंड नहीं आएगा, केवल लिगैंड कौन सा आएंगे, चार लिगैंड आएंगे, कौन सा आएंगे, और चारों लिगैंड कहां से आएगा पता है, चारों लिगैंड आपके आएंगे अक्ष के बीच में, अक्ष के बीच में। अब सुनो, कक्षक अभी भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर भी है, लेकिन उस अक्ष पे लिगैंड ही नहीं है भाई, दो लिगैंड हट गए ना, छह था अब चार हो गया, तो जो दो लिगैंड हट गए वो अक्ष वाले हट गए, अक्ष वाले ना तो जेड से आएगा और ना ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे आएगा, क्योंकि हम लोग केवल चार ऐसे लेते हैं ना ऐसे ऐसे। अब सुनो, तो ये तो हो गया अक्ष के बीच में, जो अक्ष के बीच में है उस पर लिगैंड आएगा, तो जो कक्षक अक्ष के बीच में आ रहे हैं उससे प्रतिकर्षण महसूस होगा ज्यादा, किसकी तुलना में, जो कक्षक अक्ष पर है उसकी तुलना में, क्यों, अक्ष वाले पे तो लिगैंड आ ही नहीं रहा, लिगैंड आ रहा है, जब ऊपर से इस पे लिगैंड नहीं आएगा तो इसके जो कक्षक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है
उससे प्रतिकर्षण महसूस होगा? नहीं होगा। लेकिन जो अक्ष के बीच में है, बीच में मान लो ऐसे वाले हो गए, है ना, ऐसे वाले हो गए, अब ये जो कक्षक है इसमें लिगेंड आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपस में, तो इसका प्रतिकर्षण ज्यादा होगा कि नहीं होगा? चतुष्फलकीय में क्या हुआ, जो अक्ष पे लिगेंड है वो आएगा नहीं, तो अक्ष पे जो कक्षक है उसके प्रतिकर्षण होंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो लिगेंड अक्ष के बीच में है, चार लिगेंड है टोटल, और अक्ष के बीच में जो कक्षक है तीनों, उसको तो महसूस होगा ना भाई प्रतिकर्षण, क्योंकि अक्ष के बीच में तो लिगेंड आएगा, लिगेंड आएगा, देखो यहां से लिगेंड आएगा, यहां से लिगेंड आएगा, है कि नहीं? तो जो अक्ष के बीच में आएगा लिगेंड, उस लिगेंड का कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो, और जो धातु परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो अब क्या होगा, T2G, कौन बोला मैंने, T2G, ये अक्ष के बीच में होते हैं कक्षक, तो इसको प्रतिकर्षण होगा महसूस, तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जो EG है उसको तो महसूस होगा नहीं, उसकी ऊर्जा, तो अब ऊपर कौन जाना चाहिए, T2G, है कि नहीं? तो हम यहां पर यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय कक्षकों, कक्षकों में अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश लिगेंड की अनुपस्थिति के कारण, क्या होने के, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण EG कक्षकों में, EG कक्षकों में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि इसका डायग्राम ना अगर तुम चाहो तो ऐसे बनाना, देखो तुम्हें थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, ऐसे करके ऐसे बनाओ, ठीक है ना, यहां पर M लगा दो, ऊपर ऊपर है ना, और ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे है ना, तो लिगेंड आपको यहां पे दिखाओ, लिगेंड यहां पे दिखाओ, लिगेंड यहां पे लिगेंड दिखाओ, इस लिगेंड मत दिखाओ, चार लिगेंड बच गया, नहीं बच गया, अब इनके बीच में आप ऐसे ऐसे होता है, ठीक है भाई, और ऐसे होता है कक्षक, ठीक है ना, मजा नहीं आया, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ऐसे हो गया बीच में है ना, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, कक्षक होता है ना, तो जो अक्ष के अनुदिश है कक्षक उसको कोई प्रतिकर्षण महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसके पास लिगेंड आ ही नहीं रहा है अप्रोच करने, है कि नहीं, क्या लगना, जबकि अक्ष के मध्य कक्षकों, अक्ष के मध्य स्थित CMA के कक्षकों और लिगेंडों के अक्षों के मध्य क्या हो जाएगा, लिगेंडों के अक्षों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण T2G कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है, समझ में आ गया क्या, बढ़ जाती है सर, हमेशा इसकी ऊर्जा। तो अब मैं तुम्हें इसके बाद इसका विपाटन दिखाऊंगा ना, कॉपी करो इसको फटाफट से, कक्षकों की क्या बढ़ जाती है कक्षकों की क्या
क्या बढ़ जाती है ना ऊर्जा कक्षकों की इसमें लिख दो ऊर्जा है ना, ऊर्जा कक्षकों की के बाद लेना था ना, कक्षकों की कर लेंगे पहले, अदर कर लेंगे ऊर्जा, ठीक है ना। ठीक है भाई लिख लिया, वैसे मैंने बोल देता हूँ तो वो लिखना भूल गया, ठीक है ना। अरे समझे कि नहीं समझे भैया, हम घुस गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका विपाटन डायग्राम, ठीक है ना। देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा तुम्हारा, डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए। इसमें हमारे पास कुल कितने कक्षक हैं, देखो ध्यान से सुनो, एक दो गो तीन गो चार गो कर दे पांच, पांच गो डंडा खींचू दिख रहा है, मजा नहीं आया, मजा चाहिए मजा लो, ठीक है भाई। अब यहां क्या बनेगा भाई, पांच को कक्षक बनेगा, देखो ऐसे, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा विपाटन, मजा नहीं आया, सबको मजा चाहिए आज की डेट में, क्या ऊपर करवा रहा है तू, क्या करवा रहा है ऊपर, ऊपर तो है एक जानवर रखते हैं। देखो अब क्या हुआ, ऊपर कौन गया, ऊपर गया तीन कक्षक, नाम क्या इसका, पहले ऊपर ईजी आ रहा था, अष्ट फल क्या में ऊपर जाता है कौन, अष्टफलकिया में ईजी ऊपर जाता है ना, और चतुर्फलकिया में टी2 जी ऊपर क्यों जाता है ये पता होना चाहिए, ऊपर होता तो है क्योंकि टी2 जी कक्षक ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस करता है ईजी कक्षक की तुलना में। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ईजी कक्षक अक्ष के अनुदिश होता है और अक्ष के अनुदिश कोई लिगेंड ही नहीं है तो प्रतिकर्षण नहीं होगा उसका, लेकिन जो बीच में है कक्षक है उसको ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस होगा क्योंकि उसके अनुदिश लिगेंड उसको अप्रोच कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, आक्रमण कर रहा है, समझ में आ रहा है, समझ रहे हो, ठीक। इस पे कौन आएगा, देखो इस पे दो वाले आ जाएंगे, ठीक है भाई, और यहां पर दो ही कक्षक, इसको हम बोलते हैं ईजी कक्षक। अब ईजी क्या होता है, पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, अब सुनो इसमें भी क्या होता है, बैरियर सेंटर, क्या होता है बैरी सेंटर है ना, ये देखो, और यहां पर होता है डेल्टा टी, क्या होता है टी मतलब टेट्राहेड्रल, पहले वो था ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल किया अब चतुष्फल किया, तो ऊपर कितने गए तीन, तो दो बटे पांच का अंतर, और नीचे तीन बटे पांच, डेल्टा टी और डेल्टा, ठीक है ना, ये माइनस तीन इस बात को संकेत कर रहा है कि ऊर्जा घट रही है, ऊपर ऊर्जा बढ़ गई है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब सुनो हम ये कह रहे हैं कि ये जो कक्षक है हमारा, ये 5D यानी कि डी कक्षक कब लिगेंड अनुपस्थिति में, लिगेंडों की अनुपस्थिति में, भेजे में घुस रहा है, सीएफटी के आधार पे संकुल समझाने के लिए आएगा तो समझा दोगे ना आराम से, कुछ नहीं करना है, संकुल का डायग्राम मतलब ये बनाओ, कक्षक देखो कितने इलेक्ट्रॉन है उसके, कितने केंद्र धातु परमाणु में, फट उसमें इलेक्ट्रॉन, अभी सिखाऊंगा करके एग्जांपल आपको, ठीक है ना, कैसे एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन बैंक वगैरह में दे रखा है उन्होंने, समझाइए उत्तर लंबा करके चार पेज में रटना पड़ता है, बच्चे रटेंगे उसको, तुम रटोगे नहीं, उतना सारा तुम खुद ही लिख दोगे मिनटों के अंदर, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा तुमने समझा भी दिया, ठीक है भाई, हार्ड है ही नहीं कुछ भी, सीएफटी तुझे हार्ड लग रहा है, सीएफटी तो फिर तू हार्ड कैसे करता, पहले क्या है सीएफटी समझ में नहीं आ रहा है, बीबीटी पे आसान है ना, बीबीटी ज्यादा आसान है, इसमें तुम्हें देखो रटो कुछ नहीं, सब कुछ समझो, लिगेंड आ रहा है जब तेरी तरफ कुछ आएगा, तू जिससे नफरत करता है
तो तेरी फटेगी नहीं उससे, क्यों नहीं फटेगी भाई, डर लग गया ना डर। अरे फटने का मतलब होता है हमको डर लग रहा है, साला कुछ और समझते हैं इसका मतलब, बताओ तुम लोग यार हैं जनावर। देखो अब यहां पर क्या हुआ, इसकी ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई, थोड़ी कहते ना मेरी तरफ आ रहा है, वो मेरी तरफ आ रहा है, वो मेरी तरफ आ रहा है, आ गया। तो जब लिगेंड इसकी तरफ बढ़ रहा है किसकी ओर, केंद्रीय धातु परमाणु की ओर, तो इसको ऐसा लग रहा है कि यार कोई मेरे को ना धकेल रहा है, इसकी ऊर्जा हल्की हल्की बढ़ रही है। एक दो तीन चार हो गया, पांचवा आ गया, ठीक है ना, अच्छा नहीं बना, अब बनेगा, अच्छा बन गया। अच्छा देखो इसकी ऊर्जा क्या, इसकी तुलना में इसकी ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ी, लेकिन अब इतनी बढ़ गई कि उसका वो टूट ही गया, स्प्लिट ही हो गया। होता नहीं है रबर, तुम पहले खींचते हो फिर खींचते हो फिर बाद में तो टूटता है, ऐसे ही पहले तो इसकी ऊर्जा बड़ी 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 इतनी बढ़ेगी, टूट ही गया, टूट ही गया। तो लिगेंड की अनुपस्थित, सॉरी लिगेंड की उपस्थिति में संभ्रंश कक्षक का मतलब होता है समान ऊर्जा वाले कक्षक, ठीक है ना, और ये अलग अलग हो गया, स्प्लिट हो गया, उसे बोलते हैं जनरेट ऑर्बिटल। ठीक है भाई, ठीक, डायग्राम बनाओ फटाफट से। डायग्राम बनाओ, और ये क्या है, ये है बेरी सेंटर, ये तो मालूम है ना, बेरी सेंटर में से लिख दे रहा हूं, बेरी सेंटर, ठीक है, यानी कि डेल्टा टी को करता है रिप्रेजेंट, तो अच्छे से बनाते हैं डेल्टा टी। ठीक है भाई, डेल्टा टी कॉपी करो फटाफट से, सबके नंबर टॉप आने थे केमिस्ट्री में, ठीक है ना, 99 तो आराम से जाता है। चलो ये बन गया सबका, इसमें एक लाइन लिखो ना फटाफट से, लिखो अष्टफलकिया, हाँ अष्टफलकिया संकुलों की तुलना में चतुष्फलकीय संकुलों में कक्षकों का विपाटन कम होता है। ठीक है लिखो, अष्टफलकीय संकुलों में नहीं, संकुलों की तुलना में की तुलना में चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन कम होता है। ठीक है, कम होता है भाई, अष्टफलकीय, ये संकुल तो लिखा नहीं मैंने, अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन कम होता है। कितना कम होता है ये बड़ी बस बात है जानने वाली। ठीक है भाई, देखो ये क्या है, ये दिखा रहा है विपाटन ऊर्जा को, विपाटन को, ठीक है, विपाटन को यही तो करते रिप्रेजेंट डेल्टा टी, मतलब टेट्राहेड्रल अंदर 4/9 गुना कम होगी किससे, अष्टफलकीय से, ठीक है ना। अगर हमको ऑक्टाहेड्रल का विपाटन देगा, डेल्टा ओ का मान देगा, तो हम इसका निकाल पाएंगे, ठीक है ना, 4/9 गुना कम होता है चतुष्फलकीय में, चतुष्फलकीय संकुलों में 4/9 गुना किसके, अष्टफलकीय के कम होता है किसमें, चतुष्फलकीय में, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से ना, फिर हम पढ़े अभी आगे। अब इसके बाद में क्या आता है, इसके लिए भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऊर्जा, कौन सा, CFS है ना, CFSE, ठीक है भाई, छप गया ये तो, फटाफट से हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है ना, हम CFT में पढ़ते जाएंगे, लिखेंगे, लिख लेना, बड़े बड़े बाल कहां से आ गए, सर हमारे दोस्त कहते हैं कहां से बाल लाए तू, हमारा कुछ है भी नहीं मामला। देखो
लिखो चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए सी एफ एस ई मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा ये मैंने पहले आपको समझा दिया विस्तार से, ठीक है ना। मैं यहां पर इसीलिए विस्तार से समझा नहीं रहा हूं, तुम्हें पता है पर देखिए सी एफ एस ई क्या होता है, बस यहां पर मैं चतुष्फलक के लिए केवल क्या लिखूंगा सूत्र सी एफ एस ई, इसका हिंदी सबको पता है ना सी एफ एस ई का, टी फॉर टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, अब ऊपर कौन पहुंच गया टी टू जी आएगा, तो एन मतलब इलेक्ट्रॉनिक संख्या टी टू जी कक्षकों में, ठीक है ना, गुना दो बटे पांच टेट्राहेड्रल, पहले कौन आता है इसमें ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। अब आएगा प्लस एन ई जी गुना माइनस तीन बटे पांच, ठीक है डेल्टा टी, ठीक है ठीक है भाई, कॉपी कर लो फटाफट से, ये इसका सूत्र है, ये एनसीईआरटी में है नहीं, मैंने आपको पढ़ा दिया लेकिन एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुमको समझा दिया कि ये ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। युग्मन इसमें होता ही नहीं है, इसमें युग्मन पहले नहीं होगा, मतलब जब सिंगल सिंगल भर जाएगा ना फिर होगा युग्मन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो इसमें युग्मन नहीं होता, ठीक है ना। लिखो चतुष्फलकीय विपाटन में, चतुष्फलकीय विपाटन में चाहे लिगेंड डब्ल्यू एफ एल वीक फील्ड लिगेंड हो अथवा एस एफ एल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो, चाहे लिगेंड कुछ भी, चलो तुम चाहे काट दो ना, मैं लिगेंड डब्ल्यू एफ एल हो, लिगेंड डब्ल्यू एफ एल हो अथवा एस एफ एल, हुंड के नियम के अनुसार पहले पांच भरेंगे इलेक्ट्रॉन, जब छठवां आएगा ना तब होगा पेयरिंग, ठीक है ना। हो हुंड के नियम अनुसार, हुंड के नियम अनुसार पहले एकल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है, फिर D6 के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, समझे नहीं, ठीक है भाई। ये इसका क्या कारण है इसका, ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें इसमें देखो इसमें भर के दिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ना यहां पर ना विपाटन कम होता है तो वो ऊपर जाना पसंद करता है फिर सिंगल सिंगल, ठीक है ना, हाँ लेकिन स्ट्रांग वाले में वहां पर युग्मन होता है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। देखो आओ सब गए, नहीं हुआ करो, ठीक है भाई लिखो। अतः कक्षकों का विपाटन ऊर्जा इतना ज्यादा कम होता है ना इसका ऊर्जा कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन ईजी कक्षकों में होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का इतना कम होता है कि
इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन ईजी कक्षक में, ईजी कक्षक में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर क्या होता है? अब देखो ध्यान से, अगर होता नहीं तो क्या होता है? कक्षक में होता ही नहीं है, इसलिए चतुष्फलकीय संकुल सदैव क्या होता है? उच्च प्रचक्रण संकुल होता है। क्या होता है? उच्च चक्रण संकुल होता है, ठीक है ना? उच्च चक्रण युक्त होता है, युक्त मतलब कि संकुल युक्त होता है। अरे समझे कि नहीं समझ में आया? ठीक है, इसमें लो स्पिन नहीं होगा, मतलब निम्न चक्रण नहीं होता, इसमें हमेशा क्या होता है? उच्च प्रचक्रण संकुल। हुआ कॉपी? देखो आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रॉन तुम्हें भर के दिखाएंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स तुमको अब हम भर के दिखाएंगे, ठीक है? आप आराम से भर पाओगे, ठीक है? हो गया, आओ नेवो, हो गया। चलो देखो, फिर अगर डी वन है, अगर डी वन है, देखो पहले आप इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? टी वन है तो पहले तुम भरोगे तीन वाले में ना, तीन वाले में, अलग दो वाले में, किस में? दो वाला आता है, फिर टी टू जी आता है, ये ऊपर आता है ना, तो पहले दो वाले में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर हम ऐसे, ठीक है? ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, एक है पहले इसमें भर देंगे, तो इसका आएगा सी एफ एस सी, आप निकालो, बताओ सी एफ एस सी का क्या था सूत्र? सी एफ एस ई एन टी टू जी गुना दो बटे पांच डेल्टा टी, फिर माइनस हो जाएगा एन ई जी, है ना, तीन बटे पांच डेल्टा टी, तो माइनस में गुना किया तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है? अब देखो ध्यान से, सी एफ एस सी कितनी होगी? सी एफ एस सी देखो टी टू जी में कोई इलेक्ट्रॉन इसमें है? टी टू जी में कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो, पूरा हो जाएगा तुम्हारा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ई जी में, है कि नहीं? तो भाई सब एक गुना तीन बटे पांच डेल्टा टी कितना आएगा निकल के बताओ? माइनस तीन बटे पांच मतलब जीरो पॉइंट छह, माइनस पॉइंट कितना? छह डेल्टा टी। ये तो है, ये क्या है? सी एफ एस सी निकाल दिया मैंने, आप ऐसे ही डी टू डी में बताओ, तो यहां पर कितना आएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर खाली रहेगा, इसका बताओ कितना होगा? अब दो गुना कितना? तीन बटे पांच, इसमें तो है नहीं इलेक्ट्रॉन भाई, टी टू जी में तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो यहां तो भरेंगे नहीं, जीरो हो गया उसका, इसका केवल देखो आप, तो कितना हो गया? छह बटे पांच, एक पॉइंट कितना हो जाएगा? एक पॉइंट दो, माइनस एक पॉइंट दो क्या डेल्टा टी, ठीक है? ऐसे सेफ ऐसे करते कैलकुलेट। डी थ्री में देखो ध्यान से, एक दो अब ऊपर जाएगा, युग्मन नहीं होगा, इतना कम होता है इसके अंदर में विपाटन कि कहता है ऊपर कम उड़ जाएगा, आराम से फांग जाएंगे इसको ना, ऊपर ही जाएंगे पहले, ठीक है? चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, तो इसमें कितना होगा बताओ? देखो इसमें दो आ गया ना, तो यहां तो आपका होगा कितना? जब दो आएगा इसमें तो जीरो पॉइंट सॉरी एक पॉइंट कितना था? दो था ना ऊपर माइनस का, और इसमें जोड़ दो कितना? इसमें एक निकालो इसका, तो एक मार्क हो गया, तो पॉइंट चार कितना आएगा बताओ? ऐड करने पर जीरो पॉइंट आठ माइनस में, तो कितना आएगा? जीरो पॉइंट आठ डेल्टा टी, नहीं होगा? अरे पॉइंट आठ ही तो होगा। अब बताओ अगला, चार वाले में कितना होगा? डी चार कर दोगे, यहां भर गए इलेक्ट्रॉन। ये समझा रहा हूं वीपीटी के आधार पर, संकुल का तो चल रहा है,
कोई संकुल ऐसा होगा जिसके 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 केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में चार होंगे इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? चार होंगे। तो चार को कैसे भरोगे? ये मैं ऐसे कर रहा हूं, तुम इसको ऐसे करोगे, ऐसे पांच हो गया नहीं हो गया, ऐसे करके ऐसे ऊपर ई जी, नीचे क्या टी टू जी, इसमें भरोगे इलेक्ट्रॉन तुम नीचे, सॉरी नीचे ई जी, हो गया ना हो गया, ऊपर दो तीन टी टू जी, इसमें ऐसे भरने इलेक्ट्रॉन। मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा भी समझा करके एक क्वेश्चन, ठीक है, हो गया ना हो गया। तो हम ये तो कर रहे हैं और शेप से निकाल के दिखा रहे हैं, इसमें कितना आएगा बताओ, इसमें कितना, तीन, एक दो तीन चार हो गया, बताओ कैलकुलेट कर रहे हो फटाफट से, माइनस पॉइंट चार डेल्टा टी, ठीक है ना, ठीक है वो। अब डी पांच निकालो, डी तो यहां पर भरेंगे, इसमें इसमें भरेंगे ना, यहां कितना आ गया तीन, जीरो आएगा, कितना आएगा जीरो, इसमें कितना आएगा जीरो, कैसे आया निकाल लो, इसमें रखकर देखो यहां से निकल जाएगा जीरो आएगा निकल के, है ना। यहां पे कितना देखो टी टू जी में कितना, तीन है ना भाई, पांच है ना, एक दो तीन चार पांच भर दिया, तो इसका कितना यहां पर रखेंगे कितना, तो तीन है तो तीन गुना दो बटे कितना हो जाएगा पांच, माइनस इसमें कितना दो, तो वो कितना उसका तो आता है एक पॉइंट दो, एक पॉइंट दो डेल्टा है कि नहीं, ये सॉल्व करो इसको, तो एक पॉइंट दो यहां भी आएगा और एक पॉइंट दो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा इसका, इस केस में जीरो होता है, ठीक है ना सीएफएससी। अब जब डी छह आएगा, कितना आएगा डी छह आएगा, तो आप इसमें भरो दो इलेक्ट्रॉन और यहां भरो कितने तीन, वन टू थ्री फोर फाइव, छठवा अब पेयरिंग होगा, अब क्या होगा पेयरिंग होगा, ठीक है ना, अब निकालोगे तो आराम से आएगा, हाँ इसमें, ठीक है ना, पहले सिंगल सिंगल भरेगा उसके बाद पेयरिंग होगी, क्योंकि यहां पर पेयरिंग ऊर्जा ज्यादा होता है, ठीक है ना, विपाटन ऊर्जा की तुलना में, ठीक है, कॉपी करो फटाफट से इसको ना। अब कौन रह गया, अब हमको वर्ग समतली याद है, उसमें देखना है कैसा होता है विपाटन, उसमें अक्ष पर एक रहता है एक नहीं रहता, पांच होते हैं उसमें, पांच होते हैं उसमें, क्या होते हैं पांच होते हैं, ठीक है ना, कॉपी करो फटाफट से, छह वाले में यहां पे निकालो, ठीक है ना, इधर निकाल के लिख लेना, ठीक है, मिल करो कॉपी फटाफट से, छप गया। तो ऐसे ना डी टेन तक करना, ठीक है ना, उसमें नीचे जी। अब हम लोग बढ़ रहे आगे, ठीक है ना, सी पार्ट आ गया, सी पार्ट, सी पार्ट, ठीक है ना, तो सी पार्ट में अब कल खत्म कर देना, ठीक है, मतलब हम लोग ना क्या आएगा इसके बाद में, सुनो इसके बाद में जो अगला है तुम्हारा इसमें स्प्लिटिंग, वो पांच वाला, क्या उपसहसंयोजन संख्या पांच वाले संकुलों, वर्गाकार भी तो आता है इसमें, वर्ग समतली संकुलों में विपाटन, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, हाँ दो ही वाला, मतलब एक तो अष्टफलकीय था और एक कौन सा था चतुष्फलकीय, ठीक है ना, तो उसमें है नहीं, लेकिन हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना, होता कैसे, देखो इसमें भाई पांच होता है, क्या होता है पांच, इसमें तो देखो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया, ये एक्स हो गया, ये तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस है ना, और ये हो गया जेड एक्स हो गया, ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो होता है जेड स्क्वायर, ये दो ही तो होते हैं एक्स के ऊपर, तो पांच वाले में एक तो हटेगा, तो जेड वाला हट जाता है, जेड वाला हट जाता है, तो जब जेड वाला हटेगा तो जेड अक्ष पे जो कक्षक है ये वाला, उसका तो प्रतिकर्षण होगा नहीं, नीचे वाले का होगा, है कि नहीं, लेकिन इसका होगा, तो अब क्या होगा, जब हमारे पास EG होता है और T2G होता है, तो EG वाले में जो दो होते हैं एक कौन सा, देखो ऐसे हो जाएगा, ध्यान से समझो, देख ध्यान से क्या होगा इसके अंदर, ये एक रहेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ज्यादा फील होगा प्रतिकर्षण, हटा कहां से जेड अक्ष से, तो जेड स्क्वायर वाले को क्या होगा
प्रतिकर्षण फील नहीं होगा, सबसे अधिक फील कहां पर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। लेकिन जो हमारे पास कौन है, अरे कौन है हमारे पास, टी टू जी नीचे आ जाएगा, तीन वाला आ गया। लेकिन जो ये भाई साहब है ना, ये वाला भाई साहब है, इसका दूसरा साथी जेड वाला, उसकी ऊर्जा भाई साहब होगी डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। इससे अधिक इसकी होगी और इससे कम इसकी हो जाएगी, ठीक है ना, समझ कम इसकी रहेगी ना, लेकिन हाँ। अरे सुनो देखो ठीक से बनाते ना आपको, तो बीजम उसेगा, यहां पर दो होता है, अरे यहां पर दो होता है ना, इस दो में से भी क्या होगा सुनो, ये फिर से हो जाएगा अलग अलग, डी एक्स स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर, और यहां पर कौन हो गया, तीन हो गया, तीन हो गया ना, ये तीन तो ऐसे रहते हैं, ठीक है ना जी। एक होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, तीन होंगे जी। तो तीनों ऐसे रहते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो जेड स्क्वायर वाला है ना, वैसे कायदे से तो इसका ज्यादा होना चाहिए जेड स्क्वायर का ऊर्जा, लेकिन जेड स्क्वायर का ज्यादा ना हो करके इसका होता है, डी एक्स वाई का ज्यादा होता है, हाँ जेड से अधिक होता है इनका, मतलब जो ये जो यहां पर ये लिखा है ना, यहां पर ये ना लिख करके हम लोग ये ऐसे लिख देते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, एक इसका हो गया, और यहां पर क्या आता है डी एक्स वाई, फिर आता है डी कौन जेड स्क्वायर, फिर आता है डी एक्स वाई या फिर वाई जेड, अरे ये फिर, अरे यहां पर ना जेड एक्स आता है, ऐसे यहां पर डी वाई जेड और यहां पर डी एक्स वाई, ठीक है ना, ऐसे आता है, मतलब सबसे अधिक ऊर्जा इसकी, मतलब इसका दोबारा से क्या होता है विपाटन, इन दोनों में भी अधिक फील किसको होगा प्रतिकर्षण, जेड वाले को, ठीक है ना। तो ये ऐसे और टूटते हैं, इसी को बोलते हैं पांच वाले, ठीक है ना, बस मैं इसी को अगले क्लास में लिखूंगा कि देखो यहां पर ये ऐसे होता है, ठीक है ना, बाकी इतने इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी यहां पर खत्म होगा सीएफटी, और फिर ये भी फेल हो गया सीएफटी, सीएफटी क्यों फेल हो गया कल बताऊंगा, ठीक है ना, अगली क्लास में सीएफटी फेल क्यों हो गया बताऊंगा और ये आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, दो चीज हो गया, और फिर एक क्लास में कल वाला और लगेगा, हमारा चैप्टर फिनिश होगा, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, थैंक यू, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर भी कर दो।